किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बायर कंपनी के सेक्टिन फंजीसाइड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। किसकी डोज क्या है, क्या रेनफास्टनेस रेट है, क्या रेसिडुअल एक्टिविटी है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करें, कौन कौन से रोगों के खिलाफ ये अच्छा काम करता है, इसकी डोज क्या रखनी है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो बायर का सेक्टिन फंजीसाइड आता है, इसके अंदर दो टेक्निकल हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है फेनामिडॉन, जो हमें 10% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब, जो हमें 50% देखने को मिलता है। देखिए, जो बायर का सेक्टिन फंजीसाइड है, ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। इसके अंदर जो फेनामिडॉन होता है, ये सिस्टेमिक टेक्निकल होता है, यानी कि ये जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट के अंदर स्प्रेड हो जाता है। दूसरा इसके अंदर जो मैनकोजेब होता है, मैनकोजेब आप जानते हो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, यानी कि ये प्लांट के अंदर नहीं जाता है, ये केवल पत्तियों पर चिपका रहता है और फंगस के अटैक होने से रोकता है, या जो फंगस का अटैक हो चुका है उसको ख़त्म करने का ये काम करता है। तो इसके अंदर सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। देखिए, सेक्टिन फंजीसाइड के अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि ये पत्तियों के आर पार भी हो जाता है जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एंटी स्पोरलेंट एक्टिविटी भी होती है, यानी कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, ये उनको भी ख़त्म करने का काम करता है। देखिए, जब भी हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो ये क्या करता है, तो बहुत क्विकली और डायरेक्टली जो हमारे फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनको किल करने का काम करता है जो सेक्टिन फंजीसाइड है। यानी कि स्प्रे के दौरान बाद ये तेज़ी से जो स्पोर्स बीजाणुओं को ख़त्म कर देता है, जिससे जो फंगस की डेवलपमेंट है वो एकदम से रुक जाती है। और देखिए, इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन होता है, यानी कि ये जो फंगस है उसको क्योर करने का, रोग को ठीक करने का काम करता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट फसल को प्रोटेक्ट करने का, यानी कि सुरक्षित रखने का काम भी करता है। तो इस तरीके से फंगस पे काम करता है। तो ये सिस्टेमिक है, कॉन्टैक्ट है, इसलिए इसके जो रिजल्ट हमें बहुत ही ज़बरदस्त अपनी फसलों पर देखने को मिलते हैं। ऐसे जो भी फंजीसाइड होते हैं जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर देते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा सेक्टिन फंजीसाइड। देखिए, यदि हम इसके फसलों की बात करें तो आप इसका किसी भी फसल पर स्प्रे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका स्प्रे किया जाता है आलू की फसल में किया जाता है, टमाटर में, बैंगन में, मिर्च की फसल में स्प्रे किया जाता है, या अन्य जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन पर भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली जो पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू डिजीज की जो समस्या जिनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि हमें अंगूर में ज़्यादा देखने को मिलती है, अन्य बहुत सारी फसलें हैं जिनमें देखने को मिलती है, तो आप उन पर इसका स्प्रे ले सकते हैं। देखिए, यदि हम इसके रोगों की बात करें कि ये कौन कौन से रोगों पर अच्छा काम करता है, तो देखिए डाउनी मिल्ड्यू पर ये बहुत अच्छा काम करता है, डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। दूसरा, लेट ब्लाइट डिजीज पर अच्छा काम करता है, लेट ब्लाइट के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। अर्ली ब्लाइट यानी कि अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसको कहते हैं, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट पर भी अच्छा काम करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ लीफ स्पॉट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट डिजीज के लिए भी आप इसका स्प्रे अपने फसलों पर कर सकते हैं। रस्ट डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो इन सभी रोगों को ये अच्छे से कंट्रोल करता है आपकी फसलों पर। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें देनी होती है, 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ में इसकी जो हमें मात्रा देनी होती है 400 ग्राम देनी होती है, यानी कि 400 ग्राम इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 1 से लेकर 1.5 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो हमें 10 से लेकर 12 दिनों तक की देखने को मिल जाती है, यानी कि स्प्रे के बाद ये 10 से 12 दिनों तक हमारी फसलों पर काम करता है। देखिए, इसकी एक खास बात ये भी है, जो सेक्टिन फंजीसाइड का हम स्प्रे कर देते हैं तो ये बारिश में भी इजीली नहीं धुलता है, यानी कि बारिश में आसानी से नहीं धुलता है, तो ये इसके हमें इससे अच्छे बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं, बारिश के बाद भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कम से कम स्प्रे के यदि 1.5 से लगभग मिनिमम 1.5 घंटे तक बारिश नहीं आती है तो अच्छे रिजल्ट हमें इसके फिर देखने को मिल ही जाते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी, उम्मीद है जानकारी आज की आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।